तो क्या आप जानते हैं बाहुबली मूवी में जो दिखाया जाने वाला है महायुष्मती साम्राज्य, जिसके एंथम से जिसके श्लोक थे जो कई प्रकार से एक हिंदू सनातन जो है साम्राज्य था, तो क्या आप जानते हैं ये कोई फिक्शनल या फिर जो है कोई काल्पनिक ये साम्राज्य नहीं था, ये हमारे इतिहास में ऐसा साम्राज्य था जिसके राजा थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, वही सहस्त्रबाहु अर्जुन जिसने रावण को जो है घोड़े फिर गधे की तरह अपने अस्तबल में बांध के रख दिया था, तबेले में बांध दिया था। तो इस प्रकार से महिष्मती साम्राज्य का जो इतिहास है वो सच्चा इतिहास है, अर्थात जो बाहुबली के मेकर जो राजेश राजामौली और उनके पिता के विजेंद्र प्रसाद है उन्होंने जो लिखा है, तो इसमें हमें सच्चा इतिहास को भी उन्होंने डाला है, इसीलिए जो है महिष्मती जो साम्राज्य नाम का जो इतिहास है हमारा ये कोई फिक्शनल साम्राज्य नहीं था। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है महिष्मती साम्राज्य का इतिहास का, तो विष्णु पुराण के अनुसार ये कथा आती है कि भगवान विष्णु ने जो है हयग्रीव अवतार लिया था, अर्थात उनके मुँह जो है घोड़े का था, इसीलिए आपने देखा होगा बाहुबली के जो कवच है महिष्मती साम्राज्य का दो ऑफिशियल लोगो जिसे आज हम मॉडर्न भाषा में कहते हैं, अर्थात उनका जो धर्म अर्थात राज्य का जो चिन्ह होता था वो घोड़े का होता है, क्यों, भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया था और इसी प्रकार से जो है इन्हीं से उत्पन्न हुए थे है वंशीय क्षत्रिय जिनका वध जाके आगे चलकर भगवान परशुराम करते हैं, ये कथा हम बाद में बताते हैं आपको, पहले हम आ जाते हैं शिव पुराण की एक कथा है, उसमें जो है भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की निंदा सुन रहे थे, तब वो कहते हैं नारद से कि तुम्हें भी इसका पाप लगेगा और मैंने केवल सुना है भगवान शिव की निंदा इसलिए मुझे घोड़े का मुख लगेगा, इसीलिए उनका अवतार होता है हयग्रीव अवतार। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी भी जो है धरती पर आ जाती है, हयग्रीव जो है ऋषि कश्यप और धनु के पुत्र थे जो कि आगे चलकर जो है वंशी क्षत्रियों को जो है उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं, इसी है वंशी कुल में हुए हैं है वंशी क्षत्रिय सहस्त्र अर्जुन, जिसे कहा जाता है सहस्त्रबाहु अर्जुन, अर्थात सहस्त्रबाहु से समझ सकते हैं जिसकी हजारों भुजाएं थी। और एक बार की कथा है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जो है एक नदी में नहा रहे थे, तब रावण वहां पहुंच जाता है, रावण की 20 भुजाएं होती है और 10 सिर होता है, सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण कहते हैं कि ने जो नदी का जो है रोक के क्यों रखा है, तब सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है उसे किसी जानवर या फिर कोई अजीब सा जानवर समझ के जो है अपने अस्तबल में घोड़े की तरह बांध देता है, तो आप सोचिए कि वो कितने बलशाली रहे होंगे। और इसी प्रकार से सहस्त्रबाहु अर्जुन का जब जो है परशुराम जी के माता जो है होती है और जमदग्नि ऋषि जो कि परशुराम जी के पिता थे उनके जो है आश्रम में आक्रमण करते हैं, उनकी जो गाय होती है उनको जो छीन लेते हैं, इस प्रकार से जो है भगवान परशुराम जो है इस है वंशी क्षत्रिय अर्थात सहस्त्रबाहु अर्जुन के हजारों भुजाओं को अपने फरसे जो कि भगवान शिव के द्वारा प्रदान किया गया था उसको काट डालते हैं, और इस प्रकार से जो है वो 21 बार है वंशी क्षत्रियों से इस धरा को इस धरती को विहीन करते हैं, अर्थात वो कोई पूरे क्षत्रियों का वध या फिर विनाश नहीं कर रहे थे, वो केवल है वंशी क्षत्रिय थे जो कि घमंड में आकर जो है अत्याचार करते थे सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो वंशज थे उनको ही नहीं केवल उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से और इस धरा से विहीन किया था। इस प्रकार से जो है लोग कहते हैं कि अगर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पूरे धरा को तो वो कैसे बचे थे, तो इस प्रकार से ये उत्तर है, दशरथ जी के पूर्वजों को तो परशुराम जी ने कोई क्षति नहीं पहुँचाई थी क्योंकि वो जानते थे कि वो धर्मात्मा है, वो धर्म कर्म को जानते हैं, क्षत्रिय धर्म को जानते हैं। इस प्रकार से कई सारी भ्रांतियाँ जो कि सनातन धर्म के बारे में हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में जो है फैलाई जाती हैं। तो अब आपको उत्तर मिल गया होगा कि बाहुबली में जो है महिष्मती साम्राज्य दिखाया गया था वो उसका जो है इतिहास क्या है, असली इतिहास क्या है, और उसमें जो घोड़े के जो है तलवार में बाहुबली का चिन्ह होता है, उनके कवच में होता है, महिष्मती साम्राज्य के राष्ट्र चिन्ह में होता है जो कि घोड़े का चिन्ह, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार से वो जो लिया गया है, क्योंकि भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार में सर जो है घोड़े का होता है और जो धड़ होता है वो मनुष्य का होता है। इस प्रकार से जो है ये हमारा इतिहास है महिष्मती साम्राज्य का जो कि बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है। अब आ जाते हैं वीडियो के जो है सार पे, तो आप सोच सकते हैं कि शिव पुराण से लेकर विष्णु पुराण से लेकर हयग्रीव अवतार से लेकर महिष्मती साम्राज्य से लेकर सहस्त्रबाहु अर्जुन से लेकर और हमारे परशुराम जी से लेकर देखिए आप हमारा इतिहास जो है किस प्रकार से एक साथ जुड़ रहा है, आप उसको सोचिए, और महिष्मती साम्राज्य अर्थात बाहुबली मूवी में उसको दिखाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि हमारा इतिहास कितना गहरा है, कितने अनंत वर्षों का है जो कि आप देखिए आपस में वो कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। तो आप वीडियो को कुछ समझ में आया होगा आपको, आप महिष्मती साम्राज्य के बारे में जाने होंगे या फिर इतिहास में या फिर हमारे पुराणों से कुछ भी कथा आपको नहीं जानने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो करने का मन हो करिए कमेंट में। जय श्री राम और हर हर महादेव। अश्ली जी।